चारों ओर युद्ध जैसी स्थिति ने हम सबको ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हम तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं। हाल ही में इसराइल हमास युद्ध के बीच इसराइल और ईरान के बीच भी जंग की आशंका काफी ज्यादा बढ़ गई है। इसे लेकर अमेरिका से रूस, जर्मनी और यहां तक भारत जैसे देश अभी से सतर्क हो गए हैं। भारत और कई देशों ने मिडिल ईस्ट के देशों को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है। रूस और जर्मनी ने ईरान और इसराइल के लिए अपनी उड़ानें भी रद्द कर दी हैं। साथ ही मध्य पूर्व के देशों से संयम बरतने को कहा गया है। तो क्या ये सब रुक पाएगा या फिर एक बड़ी जंग का रूप लेगा? इसराइल ईरान में दुश्मनी की वजह क्या है और क्या ये हमें तीसरे विश्व युद्ध की ओर ले जा सकता है, जानेंगे अपनी अगली इस खास रिपोर्ट में। क्या है इसराइल ईरान में दुश्मनी की वजह? इसराइल और ईरान में दुश्मनी 1949 के समय की है, जब ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई थी। ईरान में पश्चिम को चुनौती देने वाले नेतृत्व का उदय हुआ। इसके बाद से ही ईरान ने इसराइल को मिटाने की बात शुरू कर दी। ईरान का आरोप है कि इसराइल ने मुसलमानों की जमीन पर अवैध कब्जा किया है। ईरान इसराइल को देश के तौर पर मान्यता भी नहीं देता। इसराइल युद्ध में तनाव की जड़ें तभी से जम चुकी थी, मगर इस बीच इसराइल हमास वॉर ने इसको और ज्यादा चिंगारी दे दी। ईरान गजा पर इजरायली हमले के खिलाफ है। उसने कई बार गजा हमला बंद करने या फिर ईरानी हमला झेलने के लिए तैयार रहने की चुनौती भी दी है, मगर अब इसराइल ने सीरिया में दमिश्क स्थित ईरानी दूतावास पर हमला किया तो ईरान को सीधे जंग में कूदने का मौका मिल गया। लेकिन क्या ईरान का इसराइल पर हमला तीसरे विश्व युद्ध की वजह बन सकता है? यूरोप से लेकर मध्य पूर्व तक अशांति और अस्थिरता का दौर पहले से ही चल रहा है। ऐसे में यदि वाकई ईरान ने इसराइल पर हमला किया तो ये तीसरे विश्व युद्ध की आशंका को और ज्यादा बढ़ा सकता है। अभी रूस यूक्रेन युद्ध और इसराइल हमास युद्ध चरम पर है। इससे पहले आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध भी हो चुका है। इधर पाकिस्तान ईरान, पाकिस्तान अफगानिस्तान, चीन ताइवान, चीन फिलीपींस और भारत चीन व भारत पाकिस्तान के साथ उत्तर कोरिया व दक्षिण कोरिया के बीच भी तनाव चरम पर है। ऐसे में इसराइल पर ईरानी हमले से पूरे मध्य पूर्व में संघर्ष बढ़ सकता है। इसराइल के खिलाफ फिलिस्तीन पहले से युद्ध में है। अब ईरान, लीबनन और मिस्र जैसे देश भी जंग में कूद सकते हैं। ऐसे में अमेरिका, रूस, चीन की एंट्री भी हो जाएगी। ये तीसरे विश्व युद्ध की वजह बन सकता है। उधर इस्लामिक देश ईरान पर हमला होने की स्थिति में लामबंद हो सकते हैं।